बिहार में महागठबंधन सरकार खत्म हो चुकी है, नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन कर लिए हैं, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस वक्त हम पटना में 10 सर्कुलर रोड के आगे खड़े हैं, ये राबड़ी आवास है, इसी में राबड़ी लालू तेजस्वी रहते हैं। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, आरजेडी नेताओं को बयानबाजी करने से भी मना किया गया है, कार्यकर्ता पटना के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं, उदास हैं। हम उन लोग से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष रेणु यादव नाम हुआ, और तेज प्रताप यादव जी के डीएसएस जो संगठन है उसके हम राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हुए। नीतीश जी तो फिर पलट गए, तो पलटूरा भैया थे, तो उनका खानियों पलट जाते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा ना, उनका खानियों पलट जाएंगे, शीतलहरी आएगा बस पलट जाएंगे। कह रहे थे कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा था, हम जो कर रहे थे उसका प्रचार आरजेडी कर रही थी, 1.5 साल से हम सरकार में थे लेकिन चीजें ठीक नहीं थी। क्या ये जो वजह हो गिना रहे हैं अलग होने का, ये कोई ठोस वजह आप मानते हैं? सबसे पहली चीज की जो उनका जो बात है कि काम नहीं करने दिया जा रहा था, 17 साल का वो डेटा दिखा दें कितना काम किए थे डबल इंजन की सरकार में, आ हम 17 महीना का डेटा दिखाते हैं। ये चीज हो गया, अगर हिम्मत है एफ पलटू चचा, अगर हिम्मत है तो लाइए, बैठिए गांधी मैदान में, हम बैठेंगे, दिखाइए आप, पूरा बिहार जानना चाहता है। और दूसरी चीज की जो कह रहे थे, हाँ नेता नहीं धिक्कार है, पलटू चाचा का दार है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव कैसा हो, ये हुए नेता तेजस्वी यादव। ये बताइए तेजस्वी, कल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उसमें कहे थे खेला अभी बाकी है, तो आप लोग को कुछ लगता है कि आगे चल के कुछ खेला हो सकता है जब बहुमत साबित करने का समय आएगा उस समय नीतीश का? होगा, जब जनता चाहेगा तो जरूर होगा, आज न कल होगा, धीरज धरे हुए हैं जनता। लालू यादव जी भी पूरा, क्या लगता है कि तेजस्वी जी लगातार काम कर रहे थे, रोजगार दे रहे थे, बिहार में अच्छी सरकार चल रही थी, आप लोगों को क्या लगता है? बहुत है, ऐसा तो देश जान रहा है, पूरा विदेश जान रहा है कि क्या किया है, साल 17 महीना में बहुत चीज किया है, इतना कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ बिहार छोड़ के, कानून भी नीतीश चले गए छोड़ के, क्या लगता है? अरे पलटू के कभी इधर उधर चल जाएगा जिसका कोई गारंटी नहीं है। तेजस्वी जी के चेहरे से, तेजस्वी यादव जी जब रोजगार देने लगे ना तो मोदी जी पूरा डोलने लगे, ये तो इतना न रोजगार दे रहा है युवा को कि हमको तो हिला देगा 24 में, आ 24 में हिल जाएंगे, महागठबंधन से हिल जाएंगे, इतना माने वोट आएगा महागठबंधन को। नीतीश कुमार जी को गए हैं देखिएगा, क्या लगता है सरकार कितने दिन चलेगी उधर? उधर उनका सरकार ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बस समझिए चुनाव तक ले, लोकसभा को चुनाव तक ले नीतीश कुमार जी रहेंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव बाद बीजेपी नीतीश को साइड कर देगी? वो जरूर कर देगी, बिल्कुल, बीजेपी अपना स्वार्थ के लिए उसको बुलाया गया है, उसको पार्टी भी खत्म कर देगा बीजेपी, पार्टी को विलय करने के लिए बुलाया है नीतीश कुमार जी को, ये उनको समझ में नहीं। जब उस टाइम जब 2000 चेंजिंग किए थे ये, तो बोले कि हम पर बीजेपी भगाना चाह रही है, मेरा पार्टी को तोड़ना चाह रहा है, जब इधर आए बढ़िया काम चल रहा था तो इधर से भागे, तो कह रहे कि अब जब तेजस्वी जी का फ्रंट पर आ रहा है चेहरा, तो इनको लगा कि तेजस्वी का नाम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। आपको लगता है कि आरजेडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था नीतीश पर कि तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़िए सीएम का? दबाव था इस बात का, रोजगार के लिए, रोजगार देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था उनको, लेकिन वो बोले कि नहीं मेरे अनुसार चलेंगे, तो हमारे तेजस्वी जी उनके अनुसार थोड़ी चलेंगे, वो नेता है और बिहार वासियों के अनुसार चलेंगे, जो 14 करोड़ का आबादी है। आपको लग रहा है कि जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? बिल्कुल शुरू से लग रहा है, इनके फितरत में पता नहीं क्या शामिल हो गया है कि लोग इनको वोट भी देता है, इनके वजह से इनको पिछला इलेक्शन में इनका बहुत कम सीट आया, इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि ये जब देखे कि तेजस्वी यादव थोड़ा सा अच्छा उभर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें अच्छा लोगों का परसेप्शन उनके फेवर में जा रहा है, तो ये सोचे कि अब इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स हो गया है। सवाल तो बीजेपी भी उठता है ना, बीजेपी कहते थे कि नीतीश के लिए दरवाजा बंद है, फिर दरवाजे खोल दिए गए इनकी, तो बिहार में अब कोई पार्टी पर विश्वास करना मुश्किल है। नहीं, मैं बिहार में नहीं, पूरा इंडिया में, आपको याद होगा ना महाराष्ट्र वाला खेल, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार के बारे में बोल रहे थे कि 20,000 करोड़ का घोटाला बाज
जेल जाएगा, चक्की पीसेगा और ठीक एक सप्ताह बाद उसको अपने पार्टी में लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। क्या तेजस्वी कुछ खेल कर सकते हैं? कल तो कह रहे थे विधायक दल की बैठक में कि खेला होगा, पब्लिक खेल करेगी सर। देखिए पब्लिक इनको इनको ये बात इनको ये बात है कि जो इसका कितना औकात में है नीतीश जी वो सब लोग जान गए हैं। एक बार इनको शिक्षक बहाली वाला में गड़बड़ किए थे तो जनता रोड पर लग ही से चहट चहट के मारना शुरू किए। किसको? किसको? नीतीश कुमार जी को। और भागने का जगह नहीं मिला। आज यही हुआ है कि जो ऐसे माली पर कैसे करूं भरोसा कि फूल छोड़ कली को तोड़ा करे, ऐसे नारी पर कैसे करूं भरोसा कि जो अपने पति को छोड़कर प्रतिदिन रात में बिछावन बदला। अच्छा ये बताइए क्या लगता है कि आरजेडी एकजुट रह पाएगी? अब तो सत्ता से अलग हो गई है। सत्ता से अलग हो ये हमें, ये हमारा जो पार्टी है ना आरजेडी, ये तोड़ने के काम नहीं किया है सर, कभी भी जोड़ने के काम किया है। हम लोग भगाते नहीं हैं नीतीश बाबू जी को, नीतीश जी को। ये 2024 आ रहा है ना लोकसभा, एक भी वो अपना प्रोग्राम करके दिखाए। अच्छा वो तो ये कह रहे थे ना कि डेढ़ साल से हम सरकार चला रहे थे महागठबंधन की, लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी, सो पार्टी के सभी लोगों की राय थी कि आप अलग हो जाइए इसलिए हम अलग हुए। नहीं, नहीं, ये ठोस वजह आप मानते हैं? 22 में भी अलग हुए थे तो बीजेपी से, तो यही इसी तरह के कारण गिना। बीजेपी से वो अलग होते हैं जब जब देखते हैं कि हमारे तेजस्वी जी योगा के काम दे रहे हैं ज्यादा, अपना देश के लिए जनता के लिए मर रहा है ज्यादा, इनको बहुत ज्यादा खलबली हो जाता है, इसलिए ये सोचते हैं किसी तरह हम पार्टी बदल। क्या लग रहा है कि जल्द अब तेजस्वी भी बिहार के सीएम बन सकता है? आपको कोई संभावना दिख रही है आगे? 100% बनेंगे भैया, क्यों नहीं बनेंगे? इनसे तो कम से कम क्रेडिट वाले, ऊर्जा वाले नेता है, क्रेडिट वाले बोल और बात का वजन है ना इनके जैसे। ये अब तो इनको छोड़ देना चाहिए बिहार, लोग त्रस्त हो गए इनसे भैया, इनकी बस। हाँ ये बताइए, केंद्र में 9.5 साल से बीजेपी की सरकार है, कहा जाता है कि मोदी सरकार बहुत काम कर रही है और इधर राम मंदिर भी बन गया, बीजेपी कह रही थी कि राममय माहौल है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, तो अति पिछड़ा को साधने की कोशिश हुई, इसके बाद भी नीतीश की जरूरत है बीजेपी को? बीजेपी वाला धर्म की राजनीति करता है, वो खाली हिंदू मुस्लिम पर आता है, जैसे एक पलटू राम है, सबसे बड़ा क्या बोला जाए इसके बारे में, इस तरह का घर ना घर करेगा ना घाट करेगा, ऐसे जाएगा तेजस्वी भैया 2025 फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, अकेले बनाएंगे बिना किसी को। सबसे बड़ा पार्टी बिहार में आरजेडी है, आरजेडी का तहलका था है रहेगा, लालू यादव जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, नाराज हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई संभावना दिख रही है आगे? 100% बनेंगे भैया, क्यों नहीं बनेंगे? इनसे तो कम से कम क्रेडिट वाले, ऊर्जा वाले नेता है, क्रेडिट वाले बोल और बात का वजन है ना इनके जैसे। ये अब तो इनको छोड़ देना चाहिए बिहार, लोग त्रस्त हो गए इनसे भैया, इनकी बस। हाँ ये बताइए, केंद्र में 9.5 साल से बीजेपी की सरकार है, कहा जाता है कि मोदी सरकार बहुत काम कर रही है और इधर राम मंदिर भी बन गया, बीजेपी कह रही थी कि राममय माहौल है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, तो अति पिछड़ा को साधने की कोशिश हुई, इसके बाद भी नीतीश की जरूरत है बीजेपी को? बीजेपी वाला धर्म की राजनीति करता है, वो खाली हिंदू मुस्लिम पर आता है, जैसे एक पलटू राम है, सबसे बड़ा क्या बोला जाए इसके बारे में, इस तरह का घर ना घर करेगा ना घाट करेगा, ऐसे जाएगा तेजस्वी भैया 2025 फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, अकेले बनाएंगे बिना किसी को। सबसे बड़ा पार्टी बिहार में आरजेडी है, आरजेडी का तहलका था है रहेगा, लालू यादव जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, नाराज हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं खुश हैं हम, खुश हैं कि सड़ल से चल गया, हम खुश हैं। अब मुरठा बांध के बोल रहे हैं 165 दिन के अंदर में अगर सरकार नहीं गिरा दिए तो लालू यादव का भक्त रही संतोष यादव नाम नहीं। अच्छा तो देखिए अपनी बात रख रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, नीतीश ने फिर से जो है वो पाला बदल लिया है, बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो राबड़ी आवास के बाहर क्या माहौल है ये हम आपको दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।